फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबुलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और आज के हमारे पांच वर्ड हैं पेल्ट, वेन, एमिनेंट, ट्रेल ब्लेजर और प्रोमिनेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है पेल्ट। पेल्ट का मीनिंग होता है फेंकना या फेंक कर मारना। अब मीम में देखते हैं क्या हो रहा है। मीम में ये बंदर एक पत्थर फेंक कर मार रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेल्टिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेल्टिंग। तो इसका यूसेज देख लेते हैं। मंकी पेल्टेड हिम विद स्टोन्स, राइट? या He pelted stones at cops, right? This is how you use pelt in English. याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये इमेज को ध्यान रखिए। पेल्ट, अगर मैं जैसे ही वर्ड बोलता हूं तो आपके मन में ये बंदर की फोटो आनी चाहिए पत्थर फेंकते हुए। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको वर्ड लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारे आज का हमारा दूसरा वर्ड है वेन। वेन, तो वेन का मतलब होता है कम हो जाना या डिक्रीज हो जाना, किसी चीज का कम हो जाना। तो एक फनी सा मीम है, राहुल गांधी मोदी जी को बोल रहे हैं, क्या आपका जादू कम हो रहा है? इज मोदीज मैजिक वेनिंग? मोदी, बीच में फ्यूल प्राइसेस काफी इंक्रीज हो रहे थे, सेंसेक्स गिर रहा था, रुपी की वैल्यू गिर रही थी, सीएनजी की प्राइसेस बढ़ रही थी। राहुल गांधी मोदी से बोलते हैं इज योर मैजिक वेनिंग, राइट? तो इसको यूज करने के लिए ये इस मीम को याद रखिए। जब मैं वेन बोलता हूं तो आपके मन में ये इमेज आपके मन में आनी चाहिए। चलिए चलते हैं आज हमारे तीसरे वर्ड के लिए। तीसरा वर्ड है एमिनेंट। क्या होता है एमिनेंट? एमिनेंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रसिद्ध या फेमस, राइट? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ एमिनेंट साइंटिस्ट, राइट? याद रखिए इस मीम को और अब्दुल कलाम को याद रखिए इस वर्ड को याद रखने के लिए, राइट? क्या आप किसी और एमिनेंट साइंटिस्ट को जानते हैं? क्या आप किसी एमिनेंट एथलीट को जानते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं सचिन तेंदुलकर इज अ एमिनेंट एथलीट या एमिनेंट क्रिकेटर, राइट? बिल्कुल बोल सकते हैं आप। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, राइट? और यूजली इसका जो यूज होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। जैसे हम बोलेंगे एमिनेंट साइंटिस्ट, एमिनेंट एथलीट, एमिनेंट लीडर्स, राइट? चलिए चलते हैं हम जल्दी से अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, और ये है ट्रेल ब्लेजर। क्या होता है ट्रेल ब्लेजर? ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है इनोवेटर। जो भी बंदा कुछ इनोवेशन करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेल ब्लेजर। अब ये आदमी देखिए, इसने एक ऐसा बाइक बनाया जिसमें वो 3, 6, और 8 लोगों को बिठा सकता है। अब बाइक पे 8 लोग को बिठाना, राइट? दिस इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन। सो कैन वी कॉल दिस पर्सन एज अ ट्रेल ब्लेजर? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं आप इसको ट्रेल ब्लेजर। ही इज अ ट्रेल ब्लेजर फॉर दिस ऑसम आइडिया, राइट? क्या आप किसी और इनोवेटर को जानते हैं जिसको आप ट्रेल ब्लेजर बोल सकते हैं? क्या मैं इलॉन मस्क को ट्रेल ब्लेजर बोल सकता हूं? बिल्कुल हाँ। कोई और एग्जाम्पल आपके मन में आता है ट्रेल ब्लेजर का? सोचिए, किसी ने अगर लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया है, क्या मैं उसको ट्रेल ब्लेजर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो कोई भी इनोवेशन, कोई भी जो पहली बार होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेल ब्लेजर। और हमारा आज का पांचवा वर्ड है प्रोमिनेंस। क्या होता है प्रोमिनेंस का मतलब? प्रोमिनेंस मतलब प्रसिद्धि, राइट? एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध साइंटिस्ट या प्रसिद्ध एथलीट। प्रोमिनेंस इज प्रसिद्धि, राइट? सो नरेंद्र मोदी, ही वॉज अ टी सेलर लाइक एवरीबडी नोज, राइट? इन 2014 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। So can we say that Modi rose to prominence in 2014? बिल्कुल बोल सकते हैं।
प्रोमिनेंस मतलब वो उस टाइम फेमस हो गए, राइट। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद प्रोमिनेंस हो गए, ऐसे ही यूज करते हैं, ही रोज टू प्रोमिनेंस और ही रिटर्न टू प्रोमिनेंस, राइट। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, राइट, स्कूल में पढ़ने में बहुत खराब था, नंबर अच्छे नहीं आते थे, 10th बोर्ड में 12th बोर्ड में नंबर खराब थे, लेकिन सडनली उसने IIT निकाल दिया। सो कैन वी से ही रोज टू प्रोमिनेंस इन सो सो ईयर, राइट, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप वर्ड का यूसेज सीखिए और वर्ड को रिलेट कीजिए, वर्ड का पर्सनल कनेक्शन बनाइए। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम आज के 5 वर्ड, जल्दी से देखेंगे और देखते हैं आपको कितने वर्ड याद होते हैं। पहला वर्ड पेल्ट, याद करिए उस मीम को। दूसरा वर्ड वेन, क्या आपको मीम याद आ रहा है? थर्ड वर्ड एमिनेंट। फोर्थ वर्ड ट्रेल ब्लेजर। फिफ्थ वर्ड प्रोमिनेंस। तो दोस्तों अब जब भी ये वर्ड एनकाउंटर्स करें आप, राइट, अगर मैंने पेल्ट बोला तो आपको वो बंदर की स्टोन फेंकती हुई इमेज याद आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से वोकैबुलरी याद करेंगे तो आपको वोकैबुलरी हमेशा हमेशा याद रहेगी और आप वर्ड्स नहीं भूलेंगे। अगर मैंने प्रोमिनेंस बोला तो आपको नरेंद्र मोदी की वो चाय वाली फोटो याद आनी चाहिए। अगर मैंने बोला एमिनेंट तो मुझे अब्दुल कलाम की फोटो याद आनी चाहिए, राइट। अगर आप मीम्स को याद कर पाएंगे, अगर आप फोटोज को याद कर पाएंगे तो आप वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरा फायदा जो इसका होगा, आप इन वर्ड्स को एक्चुअली डे टू डे लाइफ में यूज करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।